नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। ग्वालियर में अचानक से मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। मार्च के आखिरी सप्ताह के खत्म होने से पहले ही तापमान में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिन के अलावा रात के तापमान में भी अचानक से इजाफा हुआ है। रात का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। आज भी दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। हालांकि दोपहर के बाद मौसम बदल गया। हल्की बूंदाबांदी के कारण तापमान में फिर से परिवर्तन हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते हल्की बूंदाबांदी की संभावना बनी रही। इसका असर शनिवार को भी दिखाई देगा। शनिवार को भी बूंदाबांदी और आंधी के आसार हैं, लेकिन रविवार को फिर से मौसम बदल जाएगा। उसके बाद से फिर से भीषण गर्मी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार गर्मी अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार, कल 39 डिग्री सेल्सियस था, आज भी 40 तक रहने के आसार हैं। और वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से कल हो सकता है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो, अनुमान जताया जा रहा है उसका, और जिसके वजह से 1-2 डिग्री तापमान घटने की भी संभावना है। तो उसके पश्चात हो सकता है कि तापमान फिर से बढ़े, 40 के पार जाए। इस बार रिकॉर्ड बनेगा गर्मी का? हाँ, इस बार गर्मी अच्छी पड़ेगी ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ेगी। अनुमान यही जताया जा रहा है कि इस बार गर्मी अच्छी पड़ेगी।